मित्र राष्ट्र संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल को सम्मानीय प्रधानमंत्री राइट ऑनरेबल केपी शर्मा ओलीजी, शिष्टमंडल के माननीय सदस्यों और उपस्थित मीडिया के प्रतिनिधियों, तपाईहरू सबैलाई भारत में हार्दिक स्वागत गर्दा मैं ले धैर्य खुशी लाग्दछु। प्रधानमंत्री ओली जी की यह भारत यात्रा नेपाल में हाल ही में संपन्न ऐतिहासिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में हो रही है। गत वर्ष नेपाल की जनता ने लोकतंत्र और संघीय व्यवस्था में फिर अपना विश्वास जताया है। स्थानीय निकायों, प्रांतों और संघीय संसद के चुनावों का सफल आयोजन नेपाल की सरकार और नेपाल की जनता की बहुत बड़ी उपलब्धि है और सन 2006 में शुरू हुई परिवर्तनों का ये उत्कर्ष है। इसके लिए मैं नेपाल की जनता और सरकार दोनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। नेपाल ने अब राजनीतिक इतिहास के एक नए युग में प्रवेश किया है। एक पड़ोसी मित्र देश के नाते और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में नेपाल के इतिहास के इस स्वर्णिम अध्याय का शुभारंभ भारत में हमारे लिए भी बहुत हर्ष का विषय है। फ्रेंड्स, कल और आज की हमारी मुलाकातों में प्रधानमंत्री ओली जी ने नेपाल के तीव्र आर्थिक विकास और खुशहाल एवं समावेशी समाज के निर्माण के लिए अपने बोल्ड विजन के बारे में मुझे विस्तार से जानकारी दी है। हमने इस विषय पर भी चर्चा करी कि इस विजन को साकार करने के लिए भारत नेपाल के साथ किस प्रकार से भागीदार बन सकता है। मैं समझता हूं कि भारत के विकास के लिए मेरा सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र और नेपाल के लिए प्रधानमंत्री ओली जी का समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली का विजन एक दूसरे के पूरक है और इसलिए हम दोनों पूर्णतः सहमत है कि हमें जन केंद्रित विजन, विकास के साझा लक्ष्य और दोनों देशों की जनता की सुख शांति और समृद्धि की आशाओं और अपेक्षाओं को साथ लेकर आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, नेपाल के विकास में भारत की भागीदारी का बहुत लंबा इतिहास है। मैंने प्रधानमंत्री ओली जी को भरोसा दिलाया है कि नेपाल के आर्थिक विकास और समृद्धि के प्रयासों में भारत आगे भी उनके साथ पूरी तरह सहयोग करता रहेगा। हमेशा की तरह यह सहयोग भविष्य में भी नेपाल सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर होगा। इस सहयोग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण परिणाम इनलैंड वाटरवेज में सहयोग का निर्णय है। हमारे इस सहयोग से नेपाल को समुद्र तक एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी मिल जाएगी और सागर माथा का देश सागर से सीधा जुड़ जाएगा। मैं मानता हूं कि एक ऐतिहासिक शुरुआत है। नेपाल लैंड लिंक्ड ही नहीं, वाटर लिंक भी है होगा। इसी प्रकार रेलवे में भी हम कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए काठमांडू से भारत को जोड़ने वाली एक नई रेल लाइन को संयुक्त रूप से विकसित करने पर भी
हमारी सहमति बनी है। कनेक्टिविटी का एक आयाम व्यापार और लोगों के आवागमन के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। अभी कुछ देर पहले हमने बीरगंज रक्सौल इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का उद्घाटन किया। यह आईसीपी भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का नया राजमार्ग बनेगा। आज की हमारी मुलाकात में हमने कनेक्टिविटी के सभी प्रोजेक्ट्स में प्रगति को भी रिव्यू किया। ऑयल पाइपलाइन हो या इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट हो या फिर तराई रोड्स, इस प्रकार के सभी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को हर संभव गति देने पर हम दोनों सहमत हैं। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल दोनों ही कृषि प्रधान देश हैं और इसलिए आज हमने कृषि के क्षेत्र में एक नई भागीदारी की शुरुआत की है। इस भागीदारी से ऑर्गेनिक फार्मिंग, पशुपालन, सॉइल टेस्टिंग, कृषि अनुसंधान और कृषि शिक्षा जैसे विषयों पर हम अपना सहयोग बढ़ाएंगे। मुझे खुशी है कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर प्रधानमंत्री जी कल पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय भी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ओली जी के साथ मिलकर मैंने जल संसाधन और ऊर्जा संबंधित प्रोजेक्ट्स में प्रगति को भी रिव्यू किया। हम दोनों अरुण 3, पंचेश्वर और सप्तकोसी सुनकोसी जैसी परियोजनाओं पर काम में तेजी लाने पर सहमत है। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के बीच रक्षा और सुरक्षा के विषय पर बहुत गहन संबंध है। हम दोनों अपने ओपन बॉर्डर के दुरुपयोग को रोकने और हमारे साझा सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने पर सहमत हैं। दोनों देशों के बीच ओपन बॉर्डर दोनों देशों के सामान्य लोगों के बीच एक लिविंग ब्रिज रहा है। रामायण और बुद्धिस्ट सर्किट का विकास तथा स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जन केंद्रित क्षेत्रों में भी हम सहयोग बढ़ाएंगे। इससे हमारे दोनों देशों के बीच पारंपरिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। मुझे विश्वास है कि आज हमने जो ऐतिहासिक पहल की है उससे दोनों देशों के विकास के हमारे विजन्स को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। फ्रेंड्स, नेपाल की संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में दोनों देशों के आपसी सहयोग, विचार विमर्श और अनुभव के आदान प्रदान की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री ओली जी, उनकी धर्मपत्नी और पूरे डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं और यह भी चाहता हूं कि फेरी भेंट होला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मे आई नाउ रिक्वेस्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल टू डिलीवर हिज रिमार्क्स टू द मीडिया। योर एक्सीलेंसी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम बोथ साइड्स, डिस्टिंग्विश्ड फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, I fondly recall sharing this podium with Prime Minister Modi ji 2 years ago. Since then, Nepal has achieved comprehensive transformation in many ways. Having reached a stage of political stability following the recent elections, Nepal has now embarked on the journey of social economic development with the motto, Prosperous Nepal, Happy Nepalis. I have come to India this time with a mission to explore ways and
means to enhance our relations to newer heights, commensurate with the realities of the 21st century. We want to erect a strong edifice of trust, trust-based relations between two close neighbors that we are. We want to create a model relationship which makes not only us but our prosperity equally proud of our accomplishment. A relationship that is cherished forever. I would like to thank Excellency Prime Minister Modi ji for his kind words. I fully reciprocate his sentiments on the importance of Nepal-India bilateral friendship. I am thankful to the government and people of India for the warm welcome and generous hospitality extended to me and my delegation ever since our arrival in this great city. Honorable President Sri Ramnath Kovind has gracefully invited us to stay at the prestigious Rashtrapati Bhavan, and we feel honored to be guests in his home. I have brought with me warm greetings and best wishes from the people and the government of Nepal to the friendly people and the government of India. This is my second visit as the Prime Minister of Nepal to India. I still have a fond memory of extensive discussion I had with Prime Minister Modi ji 2 years ago on a wide-ranging agendas of our deep and multifaceted relations. I take the visit as yet another important opportunity to continue dialogues at our highest political level. Nepal now has completed a very crucial transitional phase after completing the 3 years of elections and has entered into a new era and stage of economic development. During this transitional juncture, we need support and cooperation of our friends. Immediately after the federal and provincial elections in Nepal, External Affairs Minister Sushma ji visited Nepal to convey Prime Minister Modi ji's message of congratulations on our election's success and best wishes for the incoming new government. I sincerely appreciate your thoughtful gesture, Excellency. Dear friends, Nepal attaches great importance to its relations with India. Our two countries enjoy age-old historical ties. Both our countries have many things to offer to each other. Interdependence takes many forms between our two countries, ranging from economical, ecological to commercial. Being close neighbors, our destiny is intertwined.
Prosperity is our common goal. Relations between neighbors are different from those of others. Neighborhood realities make peaceful coexistence based on the principles of equality, justice, mutual respect and benefits, a necessity for shared destiny. Prime Minister Modi ji and I noted with satisfaction the ongoing works of EPG NIR that has been mandated to undertake the review of the overall situation of our bilateral relations and suggest measures to be taken for the future course. We are hopeful that the group will come up with useful recommendations. The Prime Minister and I had constructive deliberation on a number of specific agendas which are of our mutual interest. We exchanged views on how we can advance our cooperative relations and can make it deeper and more comprehensive. I congratulate Prime Minister Modi ji for the incredible progress India has made in the past 2 decades in every sphere of growth and development. Nepal sees this progress as an opportunity for its development as well. I shared with the Prime Minister that it is crucial for Nepal to utilize its vast untapped resources, particularly hydropower, and for that Nepal wanted to have more investment from India's public and private sector. Both of us underlined that the early realization of the ongoing mega projects like Pancheshwar, Arunthar and Upper Karnali would generate the much desirable impetus and positive precedents for future such projects. I appreciated the Government of India's initiative to have guidelines and regulation for cross-border trade of electricity. It is definitely a step ahead. However, I convey Nepal's desire to see an early realization of the open market provision of the bilateral power trade agreement, which was concluded between us in 2014, thanks largely to Modi ji's positive direction. Nepal, we have power surplus in a wet season and deficit in dry season for a few years to come, whereas India needs more power in summer. In view of this complementary of energy needs, we discussed about realization of energy banking. We also discussed about development of new transmission lines. Talking about water resources and its management, inundation has become a repeated problem during every monsoon in Nepal's lowland. We stressed on the need of finding appropriate solution to this problem. Infrastructure and connectivity are vital agendas of our bilateral relations. We are connected by easy geography while our cross-border infrastructure is still poor. We discussed about the need of improving and upgrading the cross-border infrastructure, including routes linking the major border points with the nearest highways on our respective sides. Cross-border railway is being developed at 2 points, and we agreed to give an early start to works on 3 other places. We also talked about early completion of works remaining 4 ICPs. Talking about connectivity, we discussed also about the possibility of being linked by river navigation. And just before
we heard the commitment, listened the commitment by His Excellency Modi ji, that how much India is positive to provide those facilities. And he precisely said that Nepal no more is landlocked. It was land-linked, but now not only land-linked, but it is connected to the waterways also. It's a matter of happiness for us. Talking about connectivity, we discussed also about the possibility of being linked by river navigation, which we discussed. Our future lies in the expansion of economic engagement, namely growth of bilateral trade, streamlining of transit facilities, and increased investment. I shared with Prime Minister Modi ji Nepal's concern about alarming scale of trade deficit and stress on the need of implementing measures to expand Nepal's export. Agriculture is one of the areas where India has made significant progress, and there is potentiality for Nepal to learn. With this in mind, I am visiting G.V. Pant University of Agriculture and Technology in Pantnagar tomorrow, and I thank the Government of India for making that arrangement. We are having a specific outcome on three key areas of development, namely agriculture, railways, connectivity, and waterways. As you just before listened, that Prime Minister Modi ji said that railway connectivity and construction of railways from Kathmandu to Rakhsal. I need not repeat again that, and I would like to express my happiness on that question. Prime Minister Modi ji and I also discussed about this, expanding the post-earthquake reconstruction project in Nepal that are being implemented under the Government of India's generous cooperation. We noted the progress of boundary-related technical works, which are being undertaken by the surveys of both sides, and had the understanding that status quo will be maintained until we start to address the problem of cross-border occupation in totality. We underlined the importance of regional and sub-regional cooperation for the common prosperity of the people in the region. Finally, dear friends, we must build on those enablers to boost our relations. We must seize the opportunity to make our relations fruitful to the lives of our people. As close neighbors, we share a common destiny which demands collective pursuit of prosperity. We agreed on the need of continuation of engagements at the highest level. I renewed the invitation to the Prime Minister Modi ji to pay a visit to Nepal at the earliest convenient time. I am hopeful that the visit would take place soon. Thank you, Modi ji, and thank you. Thank you, Excellency. This concludes the press event. Thank you all for joining.